Assalamualaikum, प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम कहते हैं। मेरे साथ आज एक बहुत प्यारी माँ मौजूद है जिनका नाम है शहाना, उनसे बात करते हैं। Assalamualaikum, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ हमें, ये घर तो आपका नहीं है, आप कहीं और से आए हैं, है ना? यही बात है जी। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर बंगाली पाड़े में आगे कोने के साइड पर रहती हूँ। मुझे ना इस इलाके की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो पड़ोस है उनमें बड़ी मोहब्बत है पड़ोसियों में, और एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार, काफ़ी हमदर्दी है। एक दूसरे को घर पे भी आने देते हैं, बच्चे भी एक दूसरे के घर जाते हैं, खेलते हैं। तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मेरी 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा अब नॉर्मल है मेरा, और मेरे शौहर का भी ऑपरेशन हुआ है कैंसर का। बेटा कितने साल का आपका? 18-19 साल। 18-19 साल का। और आपके शौहर का किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? कैंसर। कैंसर का। तो कहाँ से करवाया? उनकी तबीयत कैसी है? आप ठीक है? मैं बहुत जगह परेशान हो रही थी, मुझे एक डॉक्टर मिले, अल्लाह उनका अल्लाह ताला शुक्र अदा करती हूँ, उन्होंने वो जरिया बना। कौन, क्या नाम है उन डॉक्टर का? अवेस। कहाँ, कौन से अस्पताल में? जगह का नाम तो याद नहीं है मुझे। अस्पताल जहाँ पे इलाज कराया, उसका नाम है? धोरा जी। अच्छा, धोरा जी में। जी जी। अच्छा, तो अल्लाह देखिए कैसे वसाइल बनाता है, अल्लाह ने आज हमें कैसे मिलवाया। जी, हम जो ये प्रोग्राम करते हैं एक दिन की नेकी, इसका नाम है, और मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है। आप तो माशाल्लाह से बहुत हिम्मत में, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने बहुत मेहनत की है जी, खुद बच्चों को पढ़ाया मैंने, अपनी बच्ची बड़ी बेटी को बीकॉम कराया, कभी किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया, किसी के भी आगे नहीं। उससे छोटी बेटी है, उसको मैंने 12 क्लास से पढ़ाई इंटर, और उनसे 2 छोटी हैं उनको मैट्रिक कराया, उससे आगे नहीं पढ़ा पा रही, किसी बच्चे को नहीं पढ़ा पा रही। अब मैं समझ ले बहुत परेशान हालत तक पहुँच चुकी हूँ मैं। अपने शोहर का जिनका ऑपरेशन हुआ उनको खिलाने पिलाने तक की परेशानी होती है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं कभी किसी के घर पर नहीं गई, किसी के दर पर नहीं गई, बस आज बगैर बताए शोर के यहाँ आई हूँ मैं। उनको नहीं पता ना मेरे बच्चों को पता, बस एक मजबूरी लगी मुझे यहाँ तक। जो हम शो करते हैं प्ले एंटरटेनमेंट, उनकी तरफ से आपके लिए कैश है। शुक्रिया, थैंक यू। और घर का राशन भी है, और नए जोड़े भी हैं, चाहे तो आप ईद पे सिलवा लीजिएगा या रमज़ान में पहन लीजिएगा। और मैं फिर से लोगों के बाद बताती चलूँ कि जो हमारे साथ बैठी हैं बहुत प्यारी, बहुत बहादुर माँ हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए कर रही हैं और हम भी इसीलिए साथ बैठ के आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात में लोग कैसे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। घर में बीमारियाँ भी हैं, बहुत कुछ है, और फिर भी वही बात जो हमने कही कि सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल है, और ये किसी से नहीं मांगते हैं। ये खुद भी ये बात कह रही हैं कि मैं किसी इंसान से, मैं ना कभी मांगा है ना मैं मांग सकती हूँ, मैंने ज़िंदगी भर मेहनत ही की है। तो हम ऐसी बहादुर माएँ जो हैं उनको सलाम पेश करते हैं। और ये जो आपकी कहानी है, आप यकीन जाने कि बहुत लोगों को जो है ना हिम्मत दिलाएगी, बहुत लोगों को पसंद आएगी। और इस प्रोग्राम का मकसद भी हमारा सिर्फ ये होता है माँ जी के लोग जो हैं वो देखें कि कराची में सिर्फ ये इलाका नहीं है, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गुर्बत है, और अगर कोई किसी की मदद कर सकता है तो वो आगे बढ़े। चाहे यहाँ पे कोई हस्पताल खुलवा सके तो हस्पताल होना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे कि अपनी बेटियों को आगे पढ़ाना चाहती हैं, मगर इन्होंने खुद आपसे कहा कि ये किसी से मांग नहीं सकती। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके शौहर को सेहत दे, आपको सेहत दे, आपके घर के हालात बेहतर हों, आपके बच्चों का नसीब अच्छा हो। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आमीन। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में हम आपको इस तरह की फैमिली से मिलवाते हैं जो
खुद बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन स्टिल महंगाई की वजह से हालात का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आते हैं, अपनी कहानी आपको बताते हैं, ताकि हम भी ये चाहते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं, चाहे वो दुनिया भर में जहाँ भी हैं और जिन्हें अल्लाह ने दिया है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे लोगों की मदद करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।